नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत करती हूँ आपका। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा मैसेज है इस वीडियो के अंदर, जिससे किसी की भी जिंदगी आमूल चूल बदल सकती है। किसी की भी एक छोटी सी जिंदगी होती है, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक। इसमें मैं सारे फेज कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक रिसर्चर हुए हैं जापान में, इमोटो, आप लोग गूगल करके देखना। उन्होंने पानी पे रिसर्च करी, पानी पे उन्होंने बहुत सारे शब्द बोले, बहुत सारे वो बीकर रखते थे पानी के और उन पे चिट चिपका देते थे। बहुत सारे निगेटिव शब्द चूज करते थे, वो बहुत सारे पॉजिटिव शब्द चूज करते थे। पॉजिटिव शब्दों में लव, कंपैशन, लाइक, ग्रेटिट्यूड या कोई धार्मिक शब्द, ये या उन्होंने ग्रेट पर्सनैलिटीज जो बहुत पॉजिटिव हुई हैं उनके भी उन्होंने नाम उनके बीकर्स के ऊपर चिपकाए। इधर हेट और हिटलर तक कुछ ने लिखा उन्होंने। तो जो भी निगेटिव शब्द हो सकते हैं, शेम, गिल्ट, जो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के सारे शब्द लिखे, और जब उन्होंने उन पानी को अलग अलग क्रिस्टलाइज किया, जमाया, उन क्रिस्टल्स को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो जब पॉजिटिव शब्दों के क्रिस्टल को देखते थे उनकी जो फिगर होती थी वो बहुत ब्यूटीफुल बन के आती थी। जो नेगेटिव शब्द होते थे उनकी जो फिगर होती थी वो बहुत डिस्टॉर्टेड और बहुत ही गंदी फिगर बन के होती थी। तो ये मैंने अपने घर पे भी प्रयोग किया। मैंने दो कटोरी पानी लिया एक ही जगह से, और उन दोनों कटोरियों में मैंने दो दो भिंडियां डाली, जो एक ही टाइम पे एक ही समय पे खरीदी हुई थी। मैंने छांट छांट के सबसे अच्छी वाली चार भिंडी चुनी और उनको दो इधर और दो इधर दो कटोरियों में रख दिया। एक को अलग साइड पे रख दिया और दूसरी को दूसरी साइड पे रख दिया। मैंने जो पहली वाली कटोरी थी, अब हम पहली और दूसरी कहेंगे, कटोरी ए, मैं उसको हर रोज बोलती थी, आई लव यू, आई लाइक यू, तुम अमृत हो, तुम इन भिंडियों को अमृत से भर दो, दिन बीतते जाएंगे और ये भिंडियां फ्रेश बनी रहेंगी। और जो दूसरा पानी था मैं उसको बोलती थी, अहे नल से लिया है, तुम्हें तो बहुत बैक्टीरिया होंगे तुम्हारे अंदर, तो तुम तो सड़े हुए हो और इन भिंडियों को भी सड़ा दोगे। आप वीडियो साथ के साथ देखते रहेंगे। तो जब मैंने इस तरह से उनको बोला, पांच दिन बीतते 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 पहले दिन से ही पानी का कलर चेंज होना शुरू हो गया। जिसको मैं पॉजिटिव शब्द बोलती थी वो पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था, और जब मैंने भिंडी तोड़ी तो वो इतनी क्रिस्पी निकली। और मैंने लास्ट डे उसको ये भी बोला था कि तुम बहुत खुशबूदार हो। मैंने अपनी बेटी को कहा कि इस पानी को देखा, इसमें देखना कैसी खुशबू। इसने कहा बड़ी सोंधी सोंधी सी प्यारी सी खुशबू है, जैसे गीले मिट्टी की होती है। और जो दूसरा पानी था मैं उसको कहती थी, आय हाय कितना बदबूदार है, सड़ा हुआ, उस पानी में से गटर जैसी स्मेल आ रही थी। इस पानी को बोलती थी, थैंक यू वाटर, आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल, तुम अमृत हो, तुम अमृत हो, और इन भिंडियों में भी अमृत भर दो, दिन बीतते जाएंगे और ये भिंडियाँ फ्रेश रहेंगी क्योंकि तुमने इनमें अमृत भर दिया है। थैंक यू, आई लव यू। और आप देख सकते हो ये पानी अभी भी फ्रेश है, और ये भिंडी देखो कितनी सख्त है, कैसे ये देखो कैसे टूट रही है, एकदम फ्रेश भिंडी है ये। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले पानी की। और आज मैं सॉरी फील कर रही हूँ, मैंने इस वाले पानी को भला बुरा कहा क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना था। ये जो पानी है ये दूसरे तीसरे दिन से ही गंदा होना शुरू हो गया था, एंड मैं इस पानी को बोलती थी कि तुम्हें नॉर्मल टैप से मैंने लिया है, तुम्हारे अंदर तो बैक्टीरिया है, तुम सड़े हुए हो, खुद तो तुम सड़े हुए हो ही, इन भिंडियों को भी सड़ा दोगे, आई हेट यू। और ये देखो पहले दिन से ही पानी धुंधला होना शुरू हो गया था। पांचवा दिन है, ये देखो भिंडी देखना बेचारी कैसे गल गई है, देखना क्या हालत हो गई है इन भिंडियों की। ये फ़र्क होता है हमारे शब्दों का, हर चीज़ एनर्जी है। मैंने इसको बैड एनर्जी दी और ये बैड रिजल्ट दिखाया।
मैंने इसको गुड एनर्जी दी, इसने गुड रिजल्ट दिखाया। ये जो प्रयोग हम पानी के साथ कर रहे हैं, ये हम इंसानों पे भी कर सकते हैं। वो हमारा जो शरीर है, इसको एटम, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, जो भी माइक्रो इसके हमारे एटम होंगे ना, वहां तक भी अगर हम इसको देख लें, तो जो बेस कंटेंट आएगा, सबसे बड़ा जो कंटेंट है वो है वाटर। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। पानी अब ऐसे नहीं है कि पानी घूमता फिर रहा है ब्लड की फॉर्म में या कैसे भी, हमारी हर सेल में बहुत सारा पानी है। जैसे हमारी सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके चारों तरफ को कितना वाटर, जो एक जेल होती है वो सारा वाटर है। जब इस वाटर को हम कोई शब्द कहते हैं, वो वैसी ही फॉर्मेशन ले लेता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगी, एक बच्चा जन्म लेता है और उसकी मृत्यु तक। एक बच्चा जन्म ले रहा है और उसको बहुत पॉजिटिव शब्दों से हमेशा पुकारा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे उसको शब्द कहे जाते हैं, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी छोटी छोटी बातों को सराहा जाता है, उसकी माँ के द्वारा, उसके पिता के द्वारा, दादी, बाबा, ताऊ, चाचा, स्कूल में जो क्लासमेट है, टीचर्स हैं, पूरी सोसाइटी, उसको जहाँ भी वो जाता है बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। तो वो जो बच्चा होगा उसका पूरा जीवन खिला हुआ होगा, उसके विचार हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, वो जहाँ जाएगा खुशबू बिखेरेगा, क्योंकि उस बच्चे को पॉजिटिव शब्दों के साथ बड़ा किया गया है। उसका जो सामंजस्य है अपने परिवार में, स्कूल में, सोसाइटी में, और उसके जीवन में आने वाला जीवन साथी, फिर बच्चे, उसका पूरा जीवन बड़ी हारमोनी में चलता है, बहुत प्रेम पूर्वक चलता है। इधर दूसरा बच्चा अगर उसको पाला जाता है बहुत बुरे शब्दों के साथ, हमेशा उसको दुत्कार मिलती है, हमेशा छोटे बच्चे अपनी बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सिबलिंग्स तो है नहीं, एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, तो पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, कजिन्स आसपास रहते थे, बच्चे बच्चे आपस में बहुत बातें करते थे। आजकल बच्चों के पास सिर्फ माँ बाप रह गए हैं, वो अपनी सारी बातें अपने माँ बाप से करते हैं। अब अगर माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है, दोनों ही वर्किंग है, वो थके हारे वहां से आए, बच्चे की कौन सुन रहा है? और अगर बच्चा सुनाना चाहे, चुप रहो अभी हम काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं, देखा नहीं पापा बिजी हैं, देखा नहीं मैं बिजी हूँ, हम अभी ये कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं, तुम अभी ये करो, तुम अभी करो, बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। धीरे धीरे वो जो बच्चा है ना, वो खिलना भूल जाता है। अब वो बच्चा अकेला मस्त होने की कोशिश करता है, पेरेंट्स को लगता है यहाँ से ना गिर जाए, हाय वहां से ना गिर जाए, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, ये नहीं करो, नहीं, नो 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 नो, ये शब्द इतने गहरे में उतर जाता है कि हर चीज के लिए वो बच्चा नो बोलेगा। आपने कई लोगों को नोटिस किया होगा, उन्हें कोई चीज तुम ऑफर करो, चाय पियोगे? नहीं, रहने दो, परेशान मत हो, बिंदास बोलो, चाय का दिल कर रहा है यार, चाय वाय बना लो, बना नहीं रहोगे तुम, ऐसे वो खुल ही नहीं पाता, इतना उस शट डाउन हो जाती है वो एनर्जी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब ये जो बच्चा जिसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, अगर वो फिर भी अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे, तो उसको निगेटिव शब्दों के साथ पाला जा रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है, देख फलाने का बच्चा ऐसे, देख फलाने की बेटी ऐसे, देख फलाने के नंबर इतने अच्छे आए, तेरी टीचर ने तेरी शिकायत करी है, तू गंदा बच्चा है। कई बार ऐसे ही यूं ही नॉर्मली, एक बार एक भाई है, मैंने उनके स्टेटस पे कमेंट किया कि बहुत प्यारी बच्ची है, तो उन्होंने आगे से करा, अरे कहीं ना ये तो पागल है। मैं हैरान रह गई, वो छोटी सी बच्ची है अभी अभी, उसने उसको पागल बेपागल का कुछ पता ही नहीं है, कैसे आप शब्द बोल देते हैं ऐसे? एक बार भी कहे हुए शब्द इतने गहरे उतर जाते हैं कि वो असर दिखाते हैं। आपने देखा है समाज कितना अजीब सा विक्षिप्त सा हुआ पड़ा है, क्योंकि जो पेरेंट है ना, वो सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों के ऊपर उतारते हैं। अब ये जो बच्चा है, अब ये बड़ा हो रहा है, अब ये क्लास में टीचर्स के साथ, अपने कॉलेज में, फिर अपने करियर में, फिर ये अपने जीवन साथी के साथ, फिर ये अपने बच्चों के साथ उसी एनर्जी को कैरी करेगा। और इसका जो जीवन है ना, वो ना खिला हुआ होगा ना खुला हुआ होगा, और ये जो एनर्जी एंटिटी जो शट डाउन हो चुका है, पूरी संतुष्टि के साथ ना जीवन जिएगा ना दूसरों को जीने देगा। इस तरह से असर पड़ता है। मैंने अपने बच्चों के साथ की, मैंने हमेशा अपने बच्चों को
कभी डांटा नहीं किसी और के प्रोवोक करने से उकसाने से। मैंने अपने बच्चों के ऊपर कभी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाली। मैं अपने बच्चों को हर रोज दिन में कई कई बार जब भी वो खेल कूद के मेरे पास आते थे हमेशा मैं उनको जप्पी पा के ऐसे बोलती थी, उनके शर्ट को बहुत प्यार कर करके उनके हाथ को हाथ में लेके हमारे हाथों से भी एनर्जी बहती है ऐसे। मेरा सोना बच्चा, मेरा राजा बेटा, मेरी नन्नी बेटिया, मेरी प्यारी बेटिया, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत, सबसे होशियार मेरी बेटी, बहुत होशियार बनेगी, सबसे बच्ची, सबसे अच्छी। और मैं अपने बेटे को भी ऐसी बोलती थी, मेरा नोना बेबी, मेरा सुंदर बच्चा, ऐसी सुंदर मदज, ऐसी कमल का फूल, मेरा बेटा सबसे होशियार, मेरे बच्चे पढ़ लिख के बहुत होशियार बनेंगे, सबसे ऊपर, सबसे आगे। मैं हमेशा उनको ऐसे बोलती थी। कभी छोटी सी भी उन्होंने अच्छी चीज़ कर दी, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पेंटिंग बनाई उन्होंने, कलर निकल रहे उधर उधर, और मैं इतनी तारीफ करती थी हमेशा अपने बच्चों की, मैंने हमेशा दिल खोल के तारीफ करी है। कई बार नूर मेरे से पूछती यार मम्मी मैं सुंदर नहीं हूँ, तो मैं उसे कहती थी तू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, तेरा रंग भी सांवला है लेकिन फिर भी तू हद से ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो कहती थी मम्मी को तो अपने बच्चे सुंदर लगते हैं, पता नहीं मैं बाहर वालों को कैसी लगती होंगी। मैं हमेशा उसे कहती थी नहीं तू बहुत सुंदर है, इतनी लॉन्ग, ऐसी तेरी मॉडल जैसी बॉडी, हालांकि वो छोटी थी तब, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, 5'7" उसकी हाइट है, ऐसे स्लिम एंड टॉल, और उसका जो कॉन्फिडेंस है सच में वो मॉडल जैसी ही दिखती है। कई लोग उसको बोलते भी है, मुझे भी कहते हैं यार तेरी बेटी मॉडल जैसी है। जैसे आप अपने बच्चों को कहोगे ना वैसे ही निकलते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो, इतनी गजब की आर्टिस्ट है ना मेरी बेटी, उसका प्रोफेशन ही उसने आर्टिस्ट होने का चुना है और वो बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे ही उधर बेटा भी, जो हम अपने बच्चों से कहते हैं ना वैसा ही वो बनते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो ये मैंने सीख दिया है, जो मैंने अपने बच्चों के अंदर भरा है, उनके अंदर जो वो वाटर था, उनमें जो मैंने फॉर्मेशन डाली है पॉजिटिव शब्दों की, वो एक गुड नागरिक बनेंगे, वो सेंसिबल पर्सन बनेंगे, और अपने जीवन में आने वाले सब लोगों को, चाहे वो उनके क्लासमेट हो, रूममेट हो, जीवन साथी हो, उनके बच्चे हो या आगे उनकी फैमिली बनेगी, उनके साथ भी वो बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे। खुद तो वो सुंदर है ही, दिल से भी, शरीर से भी, और इस धरा को भी वो बहुत सुंदर बनाएंगे। हमारी प्लैनेट अर्थ डिजर्व करती है कि यहाँ उसके सारे बच्चे दिल से, बॉडी से, हर तरह से हेल्दी हो, हैप्पी हो, जिससे कि हमारी पूरी पृथ्वी हेल्दी और हैप्पी रहे। आप जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब से अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो भी आपसे मिलते हैं, अनजान लोग मिलते हैं, जहां भी आप जाते हैं, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव शब्द कहें दूसरों के लिए, सबसे ज्यादा अपने लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मैं भद्दी हूं, अब मैं इतनी सुंदर नहीं रही, पहले मैं बड़ी सुंदर थी, मेरी जेठानी सुंदर है, मेरी देवरानी सुंदर है, फलाने सुंदर है, मैं तो अब ऐसी नहीं दिखती। ये कहना बंद करो, हमेशा कहो कि यार मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा दिल बहुत सुंदर है, मेरी आत्मा पवित्र है, मैं खूबसूरत हूँ, और मैं इस दुनिया को भी खूबसूरत बना रही हूँ, मुझे अपने ऊपर गर्व है, मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ, मेरा जो पूरी पर्सनैलिटी है, मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरी सोल, सब खूबसूरत है। जब आप ऐसे कहना शुरू करोगे ना, पता है आपका शरीर कितना खिलेगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे आप। ये जो मैं कहती हूँ ना, मैं बहुत सालों से बीमार नहीं पड़ी, ये इसी वजह से है, क्योंकि मैंने खुद को पॉजिटिव शब्दों से भरा हुआ है, और मैं चारों तरफ पॉजिटिवनेस ही देती हूँ। यार अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, यार मेरी खराब आदत हो गई है, मेरे को भी अब थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है ऐसे लोगों में बुरी चीज़ें देखने की, पर अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे रियलाइज हुआ मुझे नहीं करना है ऐसे। अब मैं आगे से खुद के लिए भी सचेत रहूँगी कि मैं बाहर ना देखूं वो सारी चीज़ें। दुनिया बहुत खूबसूरत है, जब हम खूबसूरती देखते हैं तो खूबसूरती ही हमारे आसपास फैलती है। तो
खुद को सुंदर बनाइए, अपने बच्चों को सुंदर बनाइए, अपने परिवार को सुंदर बनाइए और इस धरती को सुंदर बनाइए। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाजत, मिलती हूँ नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खूबसूरत रहें। बाय।